भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। नमः शिवाय। मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक चल रहा है कि नहीं? तीसरा मंत्र देखो, पूरा नहीं हुआ था ना, बाकी है कुछ। भाष्य है। यदा पश्यः पश्यते रूक्मवर्णम् कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपेति। ये है मंत्र। भाष्य है। भाष्य यदा यस्मिन् काले पश्यः मंत्रमाया पश्यः। पश्य का होता पश्य का अर्थ है साधक। देखो लिख दिया गया पश्यति विद्वान साधक इत्यर्थः। इत्यर्थः मतलब जो परमात्मा का साक्षात्कार करेगा ना, साधक ही तो करेगा। पहले साधक बनना पड़ेगा कि नहीं, तब तो साधना करेगा। वेदांत का विचार तो साधक पहले बनो, ये है। इसलिए कहा ना अधिकारी पहले बनना पड़ता है। अधिकारिणाम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषतः। भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि बोलते हैं केवल परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करने मात्र से नहीं होगा ना, अधिकारी बनना पड़ेगा। ये साधक कह दिया। पश्यते मतलब साक्षात्कार कर लेगा वो। पश्यति परमात्मा को कैसे देखेगा, परमात्मा तो देखने का नहीं है। वो बोलते हैं कि वो साक्षात्कार कर लेगा ना, वो मैं हूँ अभेद ना, मैं ब्रह्म हूँ। इस जगह ब्रह्म को अपने हृदय में साक्षात्कार कर लेगा वो। यही है देखना परमात्मा को, नहीं तो निर्गुण परमात्मा को कैसे देखेगा। अच्छा रुक्मा वर्णम, वो परमात्मा कैसा है रुक्मा वर्णम, इसका पहले भी आ गया था पूर्ववत। रुक्मवर्णम स्वयं ज्योति स्वभावम, ये अर्थ है। रुक्मवर्णम सुवर्ण की तरह उसका रूप, मतलब क्या है, स्वयं ज्योति स्वभाव है वो। ज्ञान स्वरूप है ना परमात्मा, ज्ञान स्वरूप है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। इसलिए कहा रुक्मस्य वा ज्योतिर, है ना, हाँ अस्य अविनाशी, ये तात्पर्य है। जैसे रुक्म का सुवर्ण का वर्ण हमेशा रहता है, कितना भी गर्म कर लो सुवर्ण का रूप कहीं जाएगा, सुवर्ण का रूप नहीं जाता है। उसका स्वभाव कभी जाता नहीं, चमकीला स्वभाव कभी नहीं जाएगा वो। इसी प्रकार ये परमात्मा का स्वभाव है वो। इसलिए ज्योति परमात्मा की ज्योति कैसी है, अविनाशी है वो, अविनाशी नित्य ज्ञान स्वरूप है वो। कर्तारम सर्वस्य जगतः ईशम। कर्ता मतलब क्या, सारे जगत का कर्ता हो। ईशम मतलब पुरुषम, ब्रह्मयोनिम कहा, हाँ ब्रह्म च तयोनिश्च असो ब्रह्मयोनि कर्मधार। तो ब्रह्म ही सबका योनि है, कारण है, इसलिए कहा था ब्रह्मयोनि। ठीक है, योनि है कारण। कौन सा कारण, उपादान कारण है कि निमित्त कारण है, कौन सा कारण है परमात्मा, कौन सा कारण है जगत का, निमित्त उपादान। हाँ अभिन्न निमित्त उपादान, निमित्त भी है, दोनों है, निमित्त भी है उपादान भी है। हाँ लेट में जुड़ती है ये, लेट में ना जुड़ो, टाइम पर जुड़ो। ब्रह्मचर्योनिश्च सो ब्रह्म योनि,
तम ब्रह्मयोनिम तृतीय मंत्र है। अच्छा, ब्रह्म से यहाँ पर हिरण्यगर्भ ले लो, हिरण्यगर्भ को भी बनाता है परमात्मा, हिरण्यगर्भ का भी कारण है ना वो परमात्मा, इसलिए कह दिया देखो अपरस्य योनिम, अपर ब्रह्म कौन हो गया, हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म है, ठीक है, ये तात्पर्य है। स जदा च एवं पश्यति, इस प्रकार परमात्मा का जो साक्षात्कार कर लेता है साधक, तदा स विद्वान, वही विद्वान है, परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला ही विद्वान है, बाकी तो सब पंडित है। शास्त्र ज्ञानी है बाकी सब, विद्वान उसको नहीं कहा जाएगा। तो मंत्र में देखो क्या आया, पुण्य पापे विधूय, ये ज्ञान का फल है, ज्ञान का फल और दूसरा कुछ नहीं है, हैं तो क्या बोलते हैं देखो, पुण्य पापे बंधना भूते कर्मणि समूले विधूय, ये देखो पुण्य पाप होता है बंधन, पुण्य पाप क्या होता है, बंधन रूप कर्म है कि नहीं, पाप पुण्य यही तो बंधन है, कर्म से ही बनता है, कर्मणा बद्धते जंतुर, कर्म से ही बंधन होता है। और ज्ञानादेव विमुच्यते, ज्ञानादेव विमुच्यते, ज्ञान से मुक्त हो जाता है कि नहीं। तो बोलते हैं कि ज्ञान जब हो जाएगा भाई पुण्य भी नहीं होगा, पुण्य भी नहीं होगा तो फिर ज्ञान किस काम का है बताओ, वेदांत पढ़ेंगे परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो पुण्य भी नहीं होगा क्यों, और जो थोड़ा बहुत पुण्य है वो भी चला जाएगा तो ज्ञान से क्या मिलेगा बताओ, पुण्य नहीं होगा बात तो ठीक है, लेकिन पाप भी नहीं होगा, जो पाप है वो ये पुण्य, पुण्य पाप नहीं होगा बात तो ठीक है लेकिन पुण्य नहीं होगा ये कौन सी बड़ी बात हुई बताओ, और जो पुण्य है वो भी चला जाएगा क्यों, ज्ञान होने के बाद आपका पुण्य रहेगा क्या बताओ, आपका पुण्य रहेगा कि नहीं रहेगा, पुण्य रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा पुण्य ने पुण्य रहेगा, तो पुण्य जब चल दूसरे को दे दोगे जो आगे करो, नहीं वो बात नहीं, पुण्य जो है वो पुण्य जाएगा कि नहीं जाएगा वो पूछ रहा हूँ मैं, पुण्य जो अभी है मान लो जाएगा ना, तो जाएगा तो फिर ज्ञान किस काम का है बताओ, जो इतना पुण्य कमाए हो पुण्य यदि चला जाएगा ज्ञान से तो फिर ज्ञान किस काम का है। देखो क्या बोलते हैं वासेकर, अरे कर्म ही तो बंधन है ना, कर्म ही बंधन है, इसलिए कह देखो समूले विधुय, ये कहना चाहते हैं समूल कर्म जिसके कारण होता है वो कारण को भी नाश कर देगा, जड़ को उखाड़ देगा एकदम, बस जड़ को ना अविद्या कामना, ये लगे समूले विधुय ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि कहते हैं ना भस्म सात कुरुते, है कि नहीं, पहले भी कह दिया ना, विद्यते हृदय गंते छिद्यंते सर्व संशया छियंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये कहना चाहते हैं कि तुम मुक्त नहीं होना चाहते हो, तब तो मुक्त होना चाहते हैं तब तो ज्ञान चाहिए, इसलिए कह दिया समूले विधुय, मूल के साथ सारे बंधन का हेतु कर्मों को नष्ट कर देगा, ये तात्पर्य है, ठीक है। हाँ क्रियमाण जो कर्म होता है उसमें तो पुण्य होता है ज्ञानी का भी, क्रियमाण कर्म से पुण्य होगा ना, लेकिन वो ज्ञानी को प्राप्त नहीं होता, आप लोगों को प्राप्त होगा, जिस ज्ञानी महापुरुष की सेवा करोगे तो पुण्य आपको होगा कि नहीं, हाँ उनका पुण्य आपके पास आएगा, फिर डबल है वो बोनस है वो, है कि नहीं, तो जो अन्यत्र स्वतंत्र आप कर्म करते हो उसका पुण्य तो मिलता है,
लेकिन महापुरुष को जो सेवा करते हो वो महापुरुष के साथ कोई कर्म करते हो तो आपका कर्म मिलेगा और महापुरुष की सेवा जो कर रहे हो उसका भी पुण्य आपको मिलेगा, तो डबल फायदे में हो कि नहीं आप लोग, है ना। ये ओमकारेश्वर वाले महाराज श्री जी यही करते, ये भक्त लोग हमेशा फायदे में रहते हैं विनोद में फायदे में रहेंगे ना, घाटा तो होता नहीं, फायदा ही फायदा है। ठीक है, आगे देखो। विदु यह नष्ट कर देगा ज्ञान, निरस्य दग्ध्वा, निरा है ना, सबको जला देगा ना, दग्ध्वा जला करके। निरंजनो, निरंजन करता निर्लेपो, कोई लेप नहीं होता आत्मा में, आपके स्वरूप में किसी का लेप है ही नहीं, संबंध है ही नहीं। विगत क्लेश, ये तात्पर्य देखो, कोई क्लेश रहता नहीं। क्लेश कहते हैं ना अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पंच क्लेश है ना, आत्मा में कोई क्लेश है ही नहीं, कोई क्लेश है नहीं। परमं प्रकृष्टं निरतिशयं साम्यम, हाँ देखो परमं साम्यम कह दिया ना, इसलिए क्या हो गया, साम्य साम्य भी कह दिया, परमं भी कह दिया, तो क्या होगा, अद्वय लक्षणम, वो अद्वय लक्षण ना, उसमें कोई द्वैत नहीं है। द्वैत विषयाणी साम्य अन्यतो अर्वांच, है कि नहीं, आत्मा से जो अन्य होता है वो निकृष्ट होता है कि नहीं। वो तो अद्वय लक्षणम एतत् परमं साम्यम, परमं साम्यम का अर्थ हो गया अद्वय स्वरूप, ठीक है। इसलिए ऐसे अद्वय स्वरूप को ज्ञानी उपेति प्रतिपद्यते, ब्रह्मरूप को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मरूप ही हो जाता है ज्ञानी, ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भगवती, ये तात्पर्य हुआ। फिर पूर्ववध जो दिया है ना यहाँ पर भाष्य में, जो पूर्ववध है उसका अर्थ टीका में दिया है बस इतना है, अवेदना आमस में परमात्मा का साक्षात्कार करता है, मतलब क्या, आमस में परमात्मा के रूप से साक्षात्कार करता है, ये तीसरा मंत्र है नारायण। अब चौथा मंत्र देखो, ये ज्ञानी का प्रसंग आ गया अभी, चौथा मंत्र में प्राणो हेश सर्वभूतेर्विभाति, मिल गया आप लोगों को, मेरे पास एक बहुत मेरे पास एक पुस्तक है कैलाश वाली पुस्तक, बहुत पुरानी है और ये पन्ना जो बहुत आगे चला गया है, है ना, ये तीसरा मंत्र के बाद छठा मंत्र, छठा मंत्र के बाद जो है सप्तम मंत्र, सप्तम के बाद अष्टम, अष्टम का नौवा, नौ के बाद फिर चार आ गया, आगे पीछे पन्ना हो गया ऐसा है। प्राण हेश सर्वभूतेर्विभाति, विजानन विद्वान भवते नातिवादी, आत्म क्रीड़ा आत्मरति क्रियावान, ये स ब्रह्म विदाम्बरिष्ठ, ये ज्ञानी के लिए कह रहे हैं। तो कहते हैं प्राणो ही एस, प्राणो ही एस, ठीक है ना, तो जो ज्ञानी है ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म रूप हो जाता है कि नहीं। इसलिए परमात्मा कैसा है, ज्ञानी का स्वरूप जो परमात्मा, बोले हाँ प्राणो ही ये स, ये जो परमेश्वर कैसा है, प्राण है, प्राण कैसे हुआ, वो प्राण का प्राण है ना, वो प्राण को भी चला रहा है इसलिए प्राण हो गया, वो प्राण से प्राण कह दिया, मन का मन, वाणी की वाणी, ये कहा ना, चक्षु का चक्षु, इसलिए परमात्मा जो है मतलब प्राण का जो अधिष्ठान, ये तात्पर्य है, प्राण को जो सत्ता दे रहा है, प्राण को जो प्रकाशित कर रहा है, वो हो गया परमात्मा प्राण। यह सर्वभूतर्विभाति, वो परमात्मा ही अनेक रूप से भाषित हो रहा है, समझ में ना, हाँ जो भी कुछ भी दिख रहा है वो परमात्मा ही दिख रहा है, जो कुछ भी चित्र में दिखता है पर्दा ही दिखता है, पर्दा ही जैसे अनेक चित्र के रूप से दिखता है, इसे परमात्मा ही सभी नाम रूप से दिखाई दे रहा है, वासुदेव सर्वम, ठीक है ना। हाँ ऐसे परमात्मा को ठे बीजानन ऐसा अध्ययन कर लो,
यह बिजानन, ठीक है, यह शब्द का अध्ययन कर लो। जो ज्ञानी इस परमात्मा स्वरूप को बिजानन अभिन्न रूप से वो साक्षात्कार कर लेता है वही विद्वान, विद्वान, ठीक है। अतिवादी न भवते, देखो अन्न ऐसा करना है, भवते का अर्थ भवती, अतिवादी न भवती, अतिवादी नहीं होता है ना। अतिवादी कौन होता है मालूम है? अतिवादी वही होता है जैसे घट बनता है मिट्टी से, और जो घट को मिट्टी से अतिरिक्त समझता है, घट को सत्य समझता है, वो हो गया अतिवादी। हुआ कि नहीं अतिवादी? अधिक बोल दिया ना, मिट्टी ही घट के रूप से दिखती है, बराबर है कि नहीं? कि घट भिन्न है, मिट्टी घट के रूप से दिखती है, तंतु ही पट के रूप से दिखाई दे रहा है। कोई बोलेगा नहीं नहीं घट अतिरिक्त है, कोई बोलेगा पट अतिरिक्त, तो अतिवादी हो गया कि नहीं? अधिक बोल दिया ना, अधिक बोल दिया वो, है ना। ये जो बोलते हैं अधिक नहीं बोलना चाहिए, बोलते ना, मैं बीच बीच में बोलता हूँ अधिक ना बोला करो व्याकरण में जितना है उतना बोलो ना, अधिक बोलोगे तो फेल हो जाए, पास नहीं होगे फिर, अधिक बोलोगे तो। विद्वान के सामने अधिक नहीं बोलते, क्योंकि विद्वान ही अधिक नहीं बोलता है वो, है कि नहीं? घटपट आदि का व्यवहार तो करता है ज्ञानी, लेकिन जानता है कि ये सब मिट्टी है बस, इसलिए कहे हैं इसी प्रकार सारा जगत जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म रूप है। ये व्यवहार दिखने पर भी ज्ञानी जानता है कि ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप लोग अपने पोते आदि को दिखाते हो, सिनेमा दिखाते हो, है कि नहीं? तो दिखाने पर भी आप जानते हो ना ये पर्दा ही है। आपका पोता पूछेगा कि ये कौन है, बोलते राम जी है, धनुष बाण लेकर के। अरे आकाश में उड़ रहे हैं कौन? हनुमान जी उड़ रहे हैं, है कि नहीं? हाँ। और जब माए कोई असुर आ गया तो ये कौन है? दस मुख वाला रावण है, है कि नहीं? बोलते हैं ना, पोते को दिखाते हैं सिनेमा ये रामायण में। लेकिन आप जानते हो कि सब कुछ नहीं है, तो पर्दा है बस। तो आप कैसे है, अतिवादी है क्या? चित्र को क्या अलग मानते हो? हैं नहीं, आप हो गए अतिवादी से भिन्न, है कि नहीं? और आपका पोता क्या हो गया? सत्य मान रहा है ना, वो हो गया अतिवादी, अतिवादी नहीं। और ज्ञानी कैसा होता है? अतिवादी नहीं होता है ना, अतिवादी भवती। समझ में आ गया आप लोगों को? ये अतिवादी नहीं होता है ऐसा ज्ञानी। और ज्ञानी को जो सुख प्राप्त होता है, ठीक है ना, कहाँ पर सुख प्राप्त होता है ज्ञानी को? बोलते आत्मा में बस, आत्म क्रीड़ा, वो आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मा में ही रमण करता है, आत्मरति। क्रीड़ा और रति में बताएंगे, रमण में, है ना। हाँ, ये बता जाएगा कि भाई क्या बोलते हो, साधन से, साधन की अपेक्षा हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रीड़ा, बराबर ना। और साधन की अपेक्षा ना हो तो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रमण कहते हैं। ये सब भाष्य में बता जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बाह्य साधन की अपेक्षा हो तो क्रीड़ा है, बाह्य साधन की अपेक्षा ना हो तो रमण, है कि नहीं? रमण, ये ज्ञानी की क्रीड़ा, ज्ञानी का रमण, वो कौन है? रमण बिहारी है वो अपना स्वरूप में ही रमण बिहार बिहरण करता है वो ठीक है, ऐसा है। हाँ, इसलिए अज्ञानी का ये सारा संसार कैसा है? दुख है, अज्ञान से दुखम ओघमयम, ऐसा कहा गया बराह उपनिषद में, अज्ञान से दुखम ओघमयम। ये अज्ञानी के लिए सारा संसार कैसा होता है? दुख रूप होता है, ठीक है। और ज्ञानी के लिए सारा जगत कैसा होता है? आनंदमय आनंद रूप है, क्योंकि आनंद, क्योंकि वो ब्रह्म को ही देखता है ना, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है वो।
ये ज्ञानी के लिए सारा जगत कैसा है? ज्ञस्य आनंदमयम जगत, ज्ञस्य आनंदमय जगत। और अज्ञस्य, अज्ञस्य क्या है मालूम है? दुखमयम, ठीक है ना। महादेव क्रियावान, ये ज्ञानी कैसा है? क्रियावान एस, एस विद्वान क्रियावान। भाई ज्ञानी कौन सी क्रिया करता है? ज्ञानी कोई क्रिया करता है क्या? देखो एस क्रियावान, ये विद्वान क्रियावान है, ज्ञानी क्रियावान है, क्रिया करता है। ज्ञानी कौन सी क्रिया करता है ये भी समझने की चीज़ है वो। देखो ऐसा है, ज्ञान का जो साधन है ना, श्रवण मनन निध्यासन है ना, विवेक वैराग्य, ये जो क्रिया है वो पहले करेगा तब ना ज्ञान होगा। इसलिए यहाँ पर कह दिया पूर्व, पूर्व साधन को लेकर के यहाँ पर ज्ञानी के लिए कह दिया क्रियावान एस। आया समझ में? और क्या, अरे पहले को ले, जैसे किसी महात्मा है मान लो, है महात्मा है और बहुत दिन तक क्या किया, माजे मोटर जो है ना, पानी का मोटर होता है ना, पानी पंप, पानी का मोटर बहुत दिन तक चला गया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? मोटर गिरी पड़ गया। और क्या, मोटर गिरी हो गया, ऐसा कभी सुने है कि नहीं? ऐसा हो जाता है। हाँ ये साधु, हाँ साधु परम्परा में ऐसे नाम हो जाता हो, जैसे बहुत दिन तक फलारी किया, उसका नाम क्या होगा? फलारी बाबा हो गया। अभी थोड़ी फलर कर रहा है, पहले करता था बहुत दिन तक, उसको क्या हो गया नाम? फलारी बाबा हो गया। आ गया इसी प्रकार से, जैसे वृंदावन में एक स्वामी जी थे ना, उनका नाम क्या है? उड़िया बाबा हैं। क्या वो क्या मानते थे कि मैं उड़ीसा का हूँ? नाम पड़ गया। इसी प्रकार ज्ञानी क्या हो गया? क्रियावान। अभी ज्ञानी क्रिया कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो पहले करता था वो, इसलिए पूर्व को लेकर के क्या हो गया ना, क्रियावान बोल दिया श्रुति ने। हाँ ऐसा है, मतलब तात्पर्य ये हुआ कि ज्ञान विवेक वैराग्य आदि करते हुए जो ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसा ज्ञानी ब्रह्म विदाम वरिष्ठ है। बोले ब्रह्म वेत्ताओं में वो वरिष्ठ है वो। भाई कैसे हो गया? ज्ञानी में भी कोई भेदभाव होता है क्या? ज्ञानी में कोई भेदभाव होता है? ब्रह्म वेत्ताओं में वरिष्ठ है विद्वान, ये कैसे हुआ? होता है ना, परोक्ष ज्ञानी की अपेक्षा से अपरोक्ष ज्ञानी, अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करने वाला जो ज्ञानी वरिष्ठ है कि नहीं, वरिष्ठ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तात्पर्य है। हाँ अपरोक्ष ज्ञानियों में कोई भेद नहीं होता है, अपरोक्ष ज्ञान जिसको हो गया उनमें कोई भेद नहीं होता है कि नहीं, उनमें छोटा बड़ा नहीं होता है। बात समझ में? परोक्ष ज्ञानों में छोटा बड़ा हो सकता है, अपरोक्ष ज्ञानी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ ये बताओ, भगवान कृष्णा है और सुखदेव जी महाराज है कि नहीं, तो अपरोक्ष ज्ञानी कौन बड़े हैं यहाँ पर बताओ? भगवान कृष्ण बड़े ज्ञानी है कि दोनों सेम है ना? दोनों सेम है। अच्छा हाँ दोनों सेम है। ये व्यवहार का संसार का ज्ञान में तो ये अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है, वो भगवान कृष्ण है, लेकिन आत्मस्वरूप ज्ञान में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, सब ज्ञानी समान है। कृष्ण भोगी सुखस्त्यागी नृपौ जनक राघवौ वशिष्ठ कर्मकर्ता च सर्वे च ज्ञानिना समाह। अपरोक्ष ज्ञानी में कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है आगे चलो। भाष्य देख लो, किम च योयम प्राणस्य प्राण, परमात्मा कैसा है? प्राण को भी चला रहा है, इसलिए प्राण से प्राण बोल दिया।
ईश्वरो हे सप्रकृतः सर्वेर्भूतेर ब्रह्मादिस्तंभ पर्यन्ते ही। हे देखो ब्रह्मादि ब्रह्मा जी लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने भी है, ठीक है ना, हाँ वही परमात्मा ही अनेक रूप से भास रहा है। इत्तम भूत लक्षण तृतीया, ये सर्वभूतर जो तृतीय विभक्ति है ना, ये तृतीय विभक्ति जो हुई ये इत्तम भूत लक्षण तृतीया बोलते हैं इसको। एक सूत्र आता है इत्तम भूत लक्षण सिद्धांत कौमुदी में, जैसे जटाभिस्तापस, हाँ ये ज्ञापक हो गया ना, ये तपस्वी का ज्ञापक कौन हो गया, बड़े बड़े जटा रखी है रखा है कोई, ये फेविकल चिपका कर नहीं, स्वाभाविक कोई जटा हो तपस्या करते हुए, है कि नहीं, तो जटा क्या हो गया, ज्ञापक हो गया, किसका, तपस्या का, है कि नहीं, ये तात्पर्य है ना। हाँ इसी प्रकार से समस्त भूत जो दिखाई दे रहा है ना, इसी से ज्ञापित होता है कि कोई परब्रह्म है, उपादान कोई है, घट है तो कोई मिट्टी है ना, परमात्मा ही अनेक पदार्थ के रूप से भास रहा है। सर्वभूतस्थ सर्वात्मा सानित्यर्थ, ये देखो सभी भूतों में रह के सर्वात्मा होकर के परमात्मा दिखाई दे रहा है जगत में। विभाति मतलब विविधम दीप्यते, अनेक रूप से वही दिख रहा है, जैसे पर्दा ही अनेक चित्र के रूप से दिख रहा है, परमात्मा ही अनेक जगत के रूप से दिखाई दे रहा है विचित्र, ठीक है ना, ऐसे ही समझना पड़ता है। है कि नहीं, कितने भी चित्र दिखते हैं तो आप क्या समझते हो, है तो पर्दा ही है, पर्दा ही अनेक चित्र के रूप से दिख रहा है, जैसे ब्रह्म ही अनेक नाम रूप से दिख रहा है, इसलिए सर्वम खलु इदम ब्रह्म, है कि नहीं। हाँ इसलिए जो उत्तम साधक है, उत्तम साधक के लिए है ना, तो उपासना है के लिए कौन सी जगह चाहिए, उत्तम साधक जो उत्तम उपासक होता है कि नहीं, तो उनके लिए कौन सा सुंदर वस्तु में परमात्मा की उपासना करेगा, उनके लिए कौन सी मूर्ति चाहिए, हैं बताओ, कौन सा महादेव चाहिए, स्फटिक का चाहिए कि पारदेश्वर चाहिए, कौन सा चाहिए उनके लिए, उत्तम के लिए कह रहा हूँ मैं, उत्तम उपासक के लिए कौन सा महादेव चाहिए, स्फटिक का चाहिए, कौन सा महादेव, अरे कहीं भी हो तो महात्मा महादेव ही देखेगा और क्या देखे, सर्वत्र उनको महादेव दिखता है, चाहे स्फटिक का हो चाहे पारदेश्वर का हो चाहे धर्मदेश्वर हो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। इसी प्रकार से सर्वत्र सर्वत्र एक परमात्मा को देखता है, वासुदेव सर्वम, है कि नहीं। वो तो प्रारंभ करना पड़ता है प्रतीक उपासना उत्तम साधक के लिए, देखो इसलिए यावत यत किंचित नहीं, प्रतीक प्रतीक उपासना भी दो प्रकार के हैं, हाँ यत किंचित और यावत। यत किंचित क्या होगे, नर्मदे सर्वे महादेव, यावत क्या होगे, सर्वत्र महादेव को देखना, वासुदेव सर्वम, इसी प्रकार से है कि नहीं, इसी प्रकार समझ लो। सर्वा विभाति विविधम दीप्यते एवं सर्वभूतस्थम, सभी भूतों में जो परमात्मा है यह साक्षात आत्मभावेन अहम अस्मीति बिजानन, वो ज्ञानी जो है वो उस परमात्मा को आत्मभाव से वो साक्षात्कार कर लेता है, वो मेरा स्वरूप परब्रह्म है ना, ऐसा साक्षात्कार करता हुआ वही तो विद्वान है, ठीक है ना। हाँ न अतिवादी भवती कहा, विद्वान भवते न अतिवादी, देखो अन्व कैसे करोगे, विद्वान अतिवादी न भवते, विद्वान अतिवादी नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, देखो कहते हैं कि ज्ञान से ना, ज्ञान उनको है कि नहीं, जैसे मिट्टी को जान लिया तो घट को क्या समझेगा, वो घट तो मिट्टी है ना, आभूषण को जान लिया कि तो है तो सब सोना ही है, सुवर्ण ही है कि नहीं, तो सुवर्ण अलंकार को क्या सत्य मानेगा, वो अतिरिक्त मानेगा,
नहीं मानता है। इसी प्रकार से विद्वान वाक्यार्थ ज्ञान मात्रणा सब भवते भवति न भवति इति है कि नहीं, ऐसा है। बोलते हैं वाक्यार्थ ज्ञान मात्रणा, वाक्य क्या हो गया? महावाक्य। महावाक्य का अर्थ है परब्रह्म, है कि नहीं? लेकिन पहले पदार्थ का ज्ञान होगा ना, कि तम पद का क्या लक्षार्थ है, तम पद का ये तत्पद का क्या लक्षार्थ है, ऐसा पदार्थ का ज्ञान पहले होगा। पदार्थ का ज्ञान पूर्वक महावाक्य का अर्थ जो जीव ब्रह्म का एकत्व, उसका ज्ञान होगा। समझ में? महावाक्य का विचार करने पर संशय विपर्य रहित अपरोक्ष ज्ञान होगा। ऐसा ज्ञान से ही स ओ विद्वान हैं अतिवादी नहीं होता है। भवते भवत ना भवती इति एतत् किम, है ना? बोलते अतिवादी, अतिवादी नहीं होता है वो। ऐसा कहा, क्या नहीं होता है? अतिवादी नहीं होता है, मतलब अतित्य सर्वान अन्यान वदी तुम शिलाम अश्य इति अतिवादी। अतिवादी कौन होता है? आत्मा से अतिरिक्त कोई संसार को जानता है कि नहीं? पर्दे से अतिरिक्त चित्र को कोई माने तो अतिवादी हो गए कि नहीं? अधिक बोल दिया ना वो। अधिक बोल दिया वो है कि नहीं? इसी प्रकार सर्वान क्या है, अतित्य सर्वान अन्यान वदितुम शीलम। ये जो है, ये द्वैतवादी जो है ना, ये जगत को क्या मानते हैं? अतिरिक्त सत्य मानते हैं ना, सत्य मानते, वो सब अतिवादी है। जितने भी द्वैतवादी है, अज्ञानी, सब अतिवादी है। अधिक बोलते हैं ना, केवल अद्वैत ब्रह्म ज्ञानी ही कैसा होता है? अतिवादी से रहित, अतिवादी नहीं होता है वो, है कि नहीं? ऐसा है। यस्तु एवं साक्षात आत्मानं प्राणस्य प्राणं विद्वान अतिवादी स न भवति इत्यर्थ। ये तात्पर्य, जो प्राण का प्राण आत्मा है, उसको जो साक्षात्कार करता है, भले ही व्यवहार करता है, मैं मनुष्य हूँ, है ना, मैं महात्मा हूँ, अथवा कोई गृहस्थ हूँ, मैं पिता हूँ, अमुक हूँ, जानता है कि ये सब कल्पित है, है ना, जानता है कि सब कल्पित है। कल्पित को कल्पित मान करके व्यवहार करे, वो व्यवहार नहीं होता है, वो व्यवहार का आभास होता है, वो व्यवहार का आभास है, ठीक है? फिर विद्वान अतिवादी नहीं होता है। सर्वम यत आत्मा एव नान्यत अस्ति इति दृष्टम तदा किम ही अशुभ अतित्यवदेत। ये देखो कह रहे हैं, इसका थोड़ा विश्लेषण है। सर्वम यत आत्मा एव, क्योंकि सब कुछ आत्मा ही है ना, सब कुछ क्या है? आत्मा ही है। ना अन्यत अस्ति दृष्टम, भाई आत्मा से कोई अतिरिक्त है ही नहीं, तो आत्मा से कोई अतिरिक्त है ही नहीं, तो किसको मान करके वो बोलेगा वो, हैं? ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य। आत्मा से कोई अतिरिक्त होता तो कोई सत्य होता है। है कि नहीं? इसी प्रकार यश्च तो अपरम अन्य दृष्टमति स तद अतित्य वदति। जिस अज्ञानी के लिए तो भाई संसार कैसा है, ये तो सत्य है, वो ब्रह्म से अतिरिक्त मान रहा है वो संसार को, इसलिए वो क्या, अतिवादी हो गया। अज्ञानी क्या हो गया? अतिवादी। अज्ञानी अतिवादी नहीं है, वो ब्रह्मवादी है, वो वो जानता है कि सब कुछ ब्रह्म रूप है। ऐसा कहा। अयम तो विद्वान, ये जो विद्वान है, आत्मनो अन्यत न पश्यति, न अन्यत शुणोति, न अन्यत विजानाति, अतो न अतिवादी न अतिवदति। ये जो ज्ञानी है, आत्मा से अतिरिक्त किसी को देखता ही नहीं, किसी को सुनता ही नहीं, किसी को जानता ही नहीं है, है कि नहीं? ऐसे रहता वो। समझ में आया? इसलिए जो है वो ज्ञानी कैसा होता है, ऐसे ही मूर्खों की तरह रहता है वो। ज्ञानी किसकी तरह रहता है? मूर्ख की तरह रहता है, जड़ की तरह रहता है, जड़ भरत की तरह। क्यों? सही है ना? हाँ, ना पृष्ठम कस्यचिद् ब्रूयात् न च अन्येन पृच्छत्
जानानापि मेधावी जड़वाद लोक आचरित। हाँ, कोई पूछे तो, कोई ना पूछे तो कुछ बोलता ही नहीं, बस चुपचाप रहेगा वो। और यदि अन्याय से पूछ रहा है, श्रद्धावान नहीं है, तो कुछ बोलता नहीं ना, कुछ नहीं बोलता ज्ञान, एकदम मौन रहता है कि नहीं? ये ज्ञानी का स्वभाव होता है। ज्ञानी ना अतिवादी ना अतिवदती, बस इतना में रखता हूँ मैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।